हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से आप शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से वैकेंट पोस्ट की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, किस विद्यालय में किस विषय की पोस्ट खाली है किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि अभी ट्रांसफर के आवेदन ऑनलाइन जारी है, तो इस वजह से भी आपका ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किस तरह से आप वैकेंट पोस्ट शाला दर्पण पोर्टल पर चेक करेंगे, वही आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा और वहां पर आपको शाला दर्पण टाइप करना होगा। जैसे आप शाला दर्पण टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होगी। यहाँ पर पहले वाले विंडो पर आपको क्लिक कर देना है शाला दर्पण पर, और क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे आपको एक नई विंडो आपकी इस तरह से शाला दर्पण की जो ऑफिशियल साइट है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। और इसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे चले जाना है और आपको स्टाफ विंडो यहाँ दिखाई देगा। ये आपका स्टाफ विंडो, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर दिया हमने यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से एक लॉगिन पेज आपको ओपन होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आपका स्टाफ लॉगिन का जो होम पेज है, स्टाफ विंडो। यहाँ पर सबसे ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ दिखाई देगा आपका स्टाफ लॉगिन। आप देख सकते हैं स्टाफ लॉगिन, तो आपको यहाँ स्टाफ लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हमने क्लिक कर देते हैं, और जैसे आप स्टाफ लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह से आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा, जो कि आप देख सकते हैं ये आपका एक नया पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको आपके स्टाफ लॉगिन के आईडी और पासवर्ड, आप देख सकते हैं यूजर नेम, आपका जो एनआईसी आईडी है वो आपको डाल देनी है, 7 डिजिट की जो आपकी एनआईसी आईडी है वो आपको यहाँ डाल देनी है। यहाँ आपको आपकी एनआईसी आईडी डाल देनी है, और उसके बाद में आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ आपको डाल देना है, और तीसरे नंबर पे आपको आपका जो कैप्चा है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये कैप्चा डाल करके आपको नीचे लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप देखिए, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो स्टाफ लॉगिन का जो पेज है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये आप आसानी से यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं और आपका जो होम पेज है वो आपका खुल चुका है। अब आपको लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं 3 लकीरें आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, ये मैं आपको दिखाता हूँ गोले में, ये 3 लकीरें यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपकी ओपन होगी, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ दिखाई देने वाले हैं। आपका होम है, अप्लाई का ऑप्शन है, आपका प्रोफाइल है, आपकी फॉर्म्स हैं, आपके रिपोर्ट्स है, और इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन आपको आपके स्टाफ लॉगिन पर दिखाई देंगे। हमें बात करनी है वैकेंट पोस्ट के बारे में, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा हुआ है रिपोर्ट्स का, और यहाँ पर रिपोर्ट्स के आगे आप देख सकते हैं एक नीचे की साइड एरो का चिन्ह है। यहाँ पर आपको इस एरो के चिन्ह पर, रिपोर्ट्स के सामने जो एरो का चिन्ह है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे की तरफ एक विंडो और ओपन होगी, और इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वैकेंसी लिस्ट, देख सकते हैं आप वैकेंसी लिस्ट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। यहां पर आपको कुछ बेसिक डिटेल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है, और सेलेक्ट करने के बाद में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जिस भी ग्राम पंचायत में आप जो पोस्ट है वो देखना चाहते हैं वो आप आसानी से यहां पर उसको पीडीएफ फाइल में आप यहां पर देख सकते हैं, डाउनलोड भी आप यहां से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो यहां पर आपको सिंपली जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप देखना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हमने कोई एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी ब्लॉक में आप वैकेंट पोस्ट देख रहे हैं वो ब्लॉक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप नीचे देख सकते हैं आपकी जो पंचायत है या यूएलबी है, तो आपको यहाँ पर आपकी जो ग्राम पंचायत है जिस ग्राम पंचायत में आप वैकेंट पोस्ट देखना चाहते हैं तो वो ग्राम पंचायत यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन विंडो से सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर सभी आपको जो ग्राम पंचायत है उसकी लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी, और सभी ग्राम पंचायतों में आपको देखना है तो आपको ऑल पर क्लिक कर देना है, और किसी पर्टिकुलर किसी एक ग्राम पंचायत पर आपको देखना है तो उस ग्राम पंचायत को आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी हम यहां पर ऑल पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहां पर आपको स्कूल टाइप में 3 ऑप्शन आपको दिखाई दिए हुए हैं, सेकेंडरी, एलिमेंट्री और ऑफिस। तो अगर आपको सेकेंडरी स्कूल्स में आपको पोस्ट देखनी है तो आपको सेकेंडरी पर क्लिक करना है, एलिमेंट्री में देखनी है आपको एलिमेंट्री में क्लिक करना है, और ऑफिस है
सीबीओ ऑफिस है, डीओ ऑफिस है, इस तरह से ऑफिसों में अगर आपको पोस्ट देखनी तो आपको ऑफिस पर क्लिक करना है। अभी हम देखते हैं सेकेंडरी। तो जैसे आप सेकेंड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा पोस्ट का। ये देखिए आप पोस्ट का, तो यहां पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारी पोस्ट है आपको दिखाई देगी, और जिस भी पोस्ट के लिए आपको खाली सीट देखनी है वो पोस्ट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। काफ़ी सारी पोस्ट है आपको यहाँ दिखाई देगी। मान लीजिए हम प्रिंसिपल और समकक्ष जो पोस्ट है वो देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जो भी पोस्ट आप देखना चाहते हैं उसके सामने आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट अगर आप लेक्चरर्स हैं या सीनियर टीचर्स हैं तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमने प्रिंसिपल सेलेक्ट किया, तो प्रिंसिपल का कोई जो सब्जेक्ट है वो मूल सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता है, तो इसलिए ये आपका ब्लैंक हो चुका है, और आपको गो पर क्लिक कर देना। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे आप देख सकते हैं आपकी जितनी भी प्रिंसिपल की पोस्ट इस ब्लॉक में खाली है वो पोस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। और इस तरह से आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी ब्लॉक में आपको ग्राम पंचायत में खाली पोस्ट देखनी है वो आप आसानी से इस प्रोसेस को दोहराते हुए देख सकते हैं। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें।